हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के बारे में। आज हम बात करेंगे आईटीआई के बारे में, आईटीआई कैसे करें। जिन बच्चों ने अभी तक आईटीआई नहीं किया है या जो करना चाहते हैं या जिन्होंने कर लिया है वो सोचते हैं कि हमने आईटीआई किया है, क्यों किया है, हम आईटीआई के बाद क्या करें, तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले आप आईटीआई ही क्यों करें ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। उसके बाद आप आईटीआई के बाद क्या करें, ठीक है, आईटीआई के बाद अपना करियर कैसे चुनें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आईटीआई की संभावना के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों शहर बच्चे के लिए बीटेक करना या बीई करना, ऐसे महंगे कोर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, वो आईटीआई कर सकता है। सबसे पहली बात, अगर उसकी रुचि है, वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो बीटेक और जो बीई जो होता है उसमें काफ़ी अधिक पैसा जमा करना पड़ता है, इसलिए वो बच्चा आईटीआई में जा सकता है। आईटीआई इंस्टीट्यूट सबसे सस्ता कोर्स होता है, आईटीआई इंस्टीट्यूट हर सिटी में मिल जाता है। तो इसके लिए आपको ना तो इसके लिए ज़्यादा फीस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से दाखिला मिल पाना आसान तो नहीं होता, लेकिन अगर आप निराश हो जाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो आपको निराश नहीं होना है, या तो आपके वहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट आईटीआई है तो उसमें आप फॉर्म डालिएगा, वरना बहुत सारी निजी प्राइवेट जो आईटीआईस होती है उनमें। तो दोस्तों अगर आप सस्ते में एक अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। आईटीआई में 100 से अधिक ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, ठीक है। आप अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अपनी पसंद के क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप भी करियर बनाना चाहते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई में आपको, आईटीआई की जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। आईटीआई में आपको अपनी पसंद के क्षेत्र से संबंधित ट्रेनिंग करनी होगी और अधिकांश कोर्स 2 से 3 वर्ष के इसमें हो, तो ये ट्रेनिंग सापेक्ष रूप से बहुत सस्ती होती है, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि आईटीआई की जो आगे की पढ़ाई होती है वो कैसे करें। आईटीआई की सबसे अच्छी बात ये है कि आप हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप 8वीं पास कर लें तो भी, आप 10वीं पास कर लें तो भी, और आप 12वीं पास कर लें तब भी। स्टार्टिंग आपकी 8वीं पास से हो जाती है, कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो 8वीं पास से ही आईटीआई हो जाती है उनमें, और बाकी 10वीं पास से आपका फॉर्म डलता है और 12वीं से भी आपका फॉर्म डल जाता है। इसमें ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में अपना क्षेत्र चुनना होगा। इसमें जो ट्रेड्स होती हैं वो इंजीनियरिंग ट्रेड होंगी और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होगी। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग ट्रेड में आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन आदि के लिए आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में नीडल वर्क, क्राफ्टमैन, फूड प्रोडक्शन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर आदि के लिए आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारी ट्रेड्स की बात। इसके बाद आपको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, जो इसका एग्जाम होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, वो क्वालिफाई करना होगा। सफल प्रतिभागियों को एनटीसी सर्टिफिकेट जो मिलता है, दोस्तों आईटीआई में 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक एनटीसी सर्टिफिकेट मिलता है और एक एनएसी सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, या एनएससी सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है। विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में इस प्रमाण पत्र के आधार पर आपको नौकरी मिलती है, ठीक है, सरकारी क्षेत्रों में भी, प्राइवेट क्षेत्रों में भी, और कहीं भी अगर आपको जॉब करना है आईटीआई के बाद, तो ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, एनटीसी सर्टिफिकेट और एनएससी सर्टिफिकेट, तभी आपको वहाँ पर जॉब मिलेगी। इसके बाद है, आप आईटीआई के बाद एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि जो एटीपी जो होता है उसमें भी जा सकते हैं। एटीपी में आप विशेषज्ञता की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसके अलावा लेटरल ट्रेनिंग के तहत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई के बाद आपने किया, जब आप आईटीआई करते हैं तो आपने आईटीआई कितने वर्ष का किया दोस्तों, 2 साल का आपने आईटीआई किया। इसके बाद अगर आप डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करते हैं, तो वैसे तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है 3 साल का, मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर आप आईटीआई करने के बाद वहां जाते हैं तो आपका डिप्लोमा होगा सिर्फ 2 वर्ष का, यानी कि आपको उसमें क्या होगा, आपको उसमें सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका आईटीआई का एक बेनिफिट हो गया, आपको 2 साल में वो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि नौकरी के लिए आवेदन कहाँ करें, ठीक है, नौकरी के लिए आवेदन कहाँ करें। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आईटीआई प्रशिक्षित लोगों की काफ़ी मांग रहती है, ठीक है, इंडियन आर्मी, इनलैंड वाटर एक्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एनआरएचएम, नेशनल रूरल
हेल्थ मिशन, ठीक है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड में आप आवेदन कर सकते हैं। ये चार जो इसने इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे सरकारी और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें अलग अलग ट्रेड से अलग अलग छात्रों की आवश्यकता होती है। अगर वो कुशल हैं तो उनको सीधा ले लिया जाता है, उनके पास एक्सपीरियंस है तो, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर उनको उस हिसाब से सैलरी पर ले लिया जाता है। साथ ही पब्लिक सेक्टर में भी आपको अच्छे अवसर हैं, ठीक है। अब नौकरी के लिए आवेदन करने के अलावा आप खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने जैसे ही आपने इलेक्ट्रीशियन से आपने आईटीआई की है तो आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं। आपने अगर फीटर से आईटीआई की है तो आप एक अच्छी लेथ मशीन ला करके या उसमें कहीं फीटर का एक कारखाना खोल करके वहाँ काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, अगर आप स्वयं का व्यवसाय करेंगे, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत सारा पैसा इसमें लगाना पड़ेगा, तो ये हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा कमी है। लेकिन आप अगर चाहें तो आईटीआई के बाद अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में अनुभव के आधार पर वेतनमान बढ़ने की प्रबल संभावना है, ठीक है। अनुभव के आधार पर जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपका वेतन बढ़ने की पूर्णतः संभावना है। आप कंपनी चेंज भी कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको आसानी से 3 से 5 लाख रुपये वार्षिक वेतनमान पर नौकरी मिल जाती है, ठीक है। 3 से 5 लाख रुपए वार्षिक आपको इंजीनियरिंग ट्रेड से आपको नौकरी मिल जाती है, अगर आपके पास अनुभव है तो। मैं अनुभव वालों की बात कर रहा हूँ। और नॉन इंजीनियरिंग में 2 से 5 लाख या हम बोलें कि 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक आपको नौकरी मिल जाती है। तो ये हो गया दोस्तों आईटीआई का फ़ायदा। मैंने आपको बता दिया है कि आप आईटीआई ही क्यों करें, कैसे करें, और इसको मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 8वीं पास हैं 10वीं पास हैं तब भी आप आईटीआई कर सकते हैं। दोस्तों बड़े कोर्स हर किसी का लिए करना संभव नहीं होता है, मैंने कुछ इंस्टीट्यूट इसमें बताए हैं। उसके अलावा भी आप बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सस्ता कोर्स होता है दोस्तों, 2 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। इसमें आपके लिए बहुत कम फीस लगती है और आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं अगर आपने इसमें अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है तो, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।